अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज जनाब 12 रबी अव्वल के सिलसिले में वो इवेंट है एक मस्जिद में, SKC सेंटर में, तो उसके सिलसिले में इंशाल्लाह हम आएंगे। यहाँ पर फैमिली इवेंट है, तो यहाँ पर हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको यहाँ पे नाम देते हैं मौलिद। बच्चों के साथ ये बच्चों को उसके 12 रबीउल अव्वल के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। डिफरेंट जिसको नशीद और जिसको हम नात कहते हैं वो यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज में, उर्दू में, अरबिक में, टर्किश में, डिफरेंट होता है। लास्ट आई थिंक 2 साल से, या गालबन या 2 साल से शायद ये इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था गैदरिंग में, क्योंकि कोविड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इवनिंग में जब हम आएंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब अपने बच्चों को प्लीज़, जो अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो उसमें उनको ज़रूर एजुकेट करें, उनको ज़रूर बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उनके माइंड में ये चीज डाल दें कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे लिए दीन सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने उसको फॉलो करना है, जो बताए हुए तरीके हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप, बहन भाई, दुनिया की किस जो चीज़ें हैं उन सबसे ज्यादा पहले और महबूब जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऑटोमेटिकली जब वो फिर एक चीज़ आपको महबूब होती है सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट होती है उसके साथ, आपकी फिर उसकी उसके बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो यही चीज़ अपने बच्चों को बताएं। आपको भी इंशाल्लाह दिखाते हैं शाम को जब आएंगे तो क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मुख्तसरन सा दिखाऊंगा आपको। मगरिब से पहले शुरू हुआ था और इशा अभी पढ़ी है हमने, और अब हम वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा अच्छा इवेंट है, अच्छा लगा, एंजॉयड इट, इन्फॉर्मेटिव भी था यार। बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देना जनाब बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, हामिद सलीमी साहब बहुत अच्छे हैं। हालांकि इनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था जब इन्होंने इमरान खान के हक में एक बयान दिया था, और धमकियाँ शमकियाँ भी आई थी इनको। तो बाहर अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करें। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अरे व्लॉग जो भी कहना है यार, लोगों को समझ आ जाती है ना, सेम थिंग यार, बाबा को गलत कह रहा है देखो यार। व्लॉग चलो ओके यार, चले ओके जनाब।